मोहन की मासिक आय मंथली इनकम कितनी है? 1500 रुपए। 1500 रुपए मंथली इनकम है, वो किराया देता है 200 रुपए और शिक्षा पे 500 रुपए खर्च कर देता है और अन्य वस्तुएं खाने पीने की जो भी है उसकी 350 रुपए उस पर खर्च कर देता है। तो बताओ वह उसकी आय का कितना प्रतिशत बचा लेता है? तो पहले तो ये देखो कि मासिक इनकम कितनी है उसकी, उसकी आय, आय कितनी है भैया, आय कितनी है 1500 रुपए, है ना। अब वह कितना उसका, पहले तो वह देख लो, वह कहां खर्च कहां पे करा, 200 तो ये खर्च कर दिए किराए पे, शिक्षा पे कितने कर दिए 500, तो 200 और 500 कितने हो गए 200 और 500 700, और फिर अन्य वस्तुओं पे 350, तो कितने हो गए 1050। 1050 तो उसके वह हो गया। अब उसकी बचत कितनी हो गई, यहाँ बचत आ जाएगी, उसकी बचत कितनी है भैया उसकी, जीरो की जीरो, पांच इसने इसको दे दिया तो यह चार के चार और जीरो के जीरो, 450 रुपए उसने बचा लिए। अब 450 रुपए किस पे बचे, उसके इनकम पे बचे, किस पे बचे, इनकम पे, है ना। तो यहां लिख देंगे बचत, बचत बटे आय, बचत बटे आय गुणित 100/100, प्रतिशत निकालना के, है ना। तो बचत प्रतिशत आपका सामने आ जाएगा, ये बचत प्रतिशत है आपका, ये क्या है बचत प्रतिशत, बचत प्रतिशत हो जाएगा, है ना। कितना आ गया भैया, बचत कितनी बोले 450, आय कितनी 1500, है ना, फिर गुणित में कितना बोले 100/100, है ना। तो ये दो जीरो से तो ये दो जीरो गई, है ना, 25 + 45 जीरो की जीरो, तो कितना हो गया आपका 30/100 बराबर कितना 30%, 30% क्या उसकी 30% उसकी बचत आ गई। तो सवाल कठिन है कि सरल है, ये सरल सवाल है ना। चलिए अब अगला सवाल है आपका, चलो इसे उतार लेना, उतार लीजिए आप।